हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनीज में आज मैं तुम्हें कराने लगा हूँ बैक क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज, और इसकी ब्रैकेट में लिखा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो पहले मैं ये टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो जब भी एसेट्स रिवैल्यू होंगी उससे हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स पे असर पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो आपको प्रॉफिट हो गया तो वो उसमें ऐड हो जाना चाहिए। अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो वो लॉस हो गया, उसमें से क्या हो जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। सिमिलरली जितने से एसेट की वैल्यू बढ़ रही है उतनी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे उस पर, और वो डेप्रिसिएशन आपको रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से क्या होनी चाहिए, आपकी माइनस होनी चाहिए रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से वो डेप्रिसिएशन। लेकिन पर्टिकुलरली कई बार क्या होता है, एसेट की वैल्यू ज्यादा रिकॉर्डेड थी, ऑलरेडी ज्यादा रिकॉर्डेड थी, अब उसकी वैल्यू कम करनी है तो मतलब हम उस पर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एक्सेस चार्ज कर चुके हैं, अब हमें वो डेप्रिसिएशन को उल्टा इफेक्ट देना पड़ेगा। मतलब जो डेप्रिसिएशन आप माइनस करते हो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, ऐड। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन या 7th क्वेश्चन ये पॉइंट आपके साथ कवर होता है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। टॉपिक हो गया पहले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं आपकी होल्डिंग कंपनीज की, तो वो कहता है कंपनी एस लिमिटेड हैज अर्नड ऑल द प्रॉफिट्स ओनली सिंस द 150 शेयर्स वर एक्वायर्ड बाय एच। उनकी टोटल शेयर कैपिटल है ₹2000, एक शेयर है ₹10 का, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 200 में से 150 होल्डिंग ने ले लिए, तो माइनॉरिटीज के शेयर्स कितने रह गए, सिर्फ 50। अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज देखूं तो 150 अपॉन 200 इनटू 100 एंड 50 अपॉन 200 इनटू 100, तो ये बनेगा 75% एंड 25%। मतलब आपका शेयर है 75% और माइनॉरिटीज का शेयर है 25%। अब उसने बोला कि जो रिजर्व है वो सारा प्री है, तो रिजर्व जो फ्री है मतलब वो कौन सा प्रॉफिट है, मेरा कैपिटल प्रॉफिट। वो आपको अमाउंट भी एडजस्टमेंट में गिवन है, ढूंढ लीजिए, ₹600, दैट इज योर टोटल एंड टोटल प्री प्रॉफिट्स। लेकिन फोर्थ एडजस्टमेंट पे ध्यान दो, सन्ड्री एसेट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 200। मतलब आपने अंडर वैल्यू कर रखी है, उनको कम पे रिकॉर्ड कर रखा है, तो आप उसमें ₹200 का प्रॉफिट ऐड कर दो तो अब आपका कैपिटल प्रॉफिट कितना हो जाता है, ₹800। इस 800 को जब आप अपने होल्डिंग में और माइनॉरिटीज में बांटते हो तो उसका आंसर आएगा ₹600 एंड ₹200। तो मेरा यहाँ पे वर्किंग नोट 1 कंप्लीट हो चुका है, दैट इज अवर कैपिटल प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे अपने रेवेन्यू प्रॉफिट्स की। अब बच्चों जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो आपको सरप्लस में गिवन होगा, सब्सिडियरी का सरप्लस में गिवन है ₹1200। अब इसमें से डेप्रिसिएशन क्या होनी चाहिए, माइनस पर डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, तो इस 1200 को डायरेक्ट बांट दीजिए होल्डिंग में और माइनॉरिटीज, मतलब 75-25 पे आ जाएगा ₹900 और ₹300। तो दो वर्किंग नोट्स आप यहाँ पे बना चुके हो। अब हम बात करते हैं गुडविल की। अब गुडविल जब हमने निकालनी है तो गुडविल कैसे निकालनी है, जो गुडविल का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था वो था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स माइनस फेस वैल्यू माइनस कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग। हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1500 की खरीदी, चेक कीजिए उसकी फेस वैल्यू भी 1500 है और कैपिटल प्रॉफिट का आंसर 600 है, तो मतलब 2100 माइनस, तो ये माइनस 600 आ गया, तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व निकल गया आंसर में। अब हम निकालेंगे माइनॉरिटीज का पॉइंट। तो माइनॉरिटीज में 2000 में से 1500 शेयर तो मेरे हैं होल्डिंग के, तो उनके रह गए 500, उनका कैपिटल प्रॉफिट, उनका रेवेन्यू प्रॉफिट आप ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा माइनॉरिटीज का। अब हम बात करते हैं बाकी एडजस्टमेंट्स की जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करने वाली है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सबसे पहली एडजस्टमेंट हो चुकी है, इसमें इफेक्ट मिलेगा। सेकेंड एडजस्टमेंट हो चुकी है। थर्ड एडजस्टमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें उसने बोला है बिल्स पेबल आर इन फेवर ऑफ कंपनी एच व्हिच आर डिस्काउंटेड ऑफ 200 आउट ऑफ देम। तो अब मैं बताऊंगा तुम्हें इंटर कंपनी ओइंग्स की ट्रीटमेंट। इंटर कंपनी ओइंग्स मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, लेकिन उस टाइम पे सिंपल एक ही अमाउंट गिवन था, लेकिन यहाँ पे 200 का उसने डिस्काउंट करा लिया। अब 300 की एक जगह पे अमाउंट गिवन है, चेक करिए बिल्स पेबल में, और बिल रिसीवेबल में आई गेस ₹100 का अमाउंट गिवन है। तो अगर आप ₹200 का डिस्काउंट करा लिया तो ₹100 रह गया ना,
₹200 का डिस्काउंट करा लिया तो कितना रह गया ₹100। तो ₹100 हम अपने बिल्स पेबल में से भी माइनस कर देंगे और बिल्स रिसीवेबल में से भी क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि अगर हम अलग अलग अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो ही नहीं सकती। तो मैंने आपको एक और भी तरीका बताया था सेमेस्टर वन में, अगर आप लोग मेरे पास थे, फाइनल अकाउंट्स में भी अगर ये आता है टॉपिक इंटर कंपनी पॉइंट्स, तो विच एवर इज लेस अमाउंट को माइनस कर दिया करो, एलिमिनेट करना जब हमने बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, तो जो भी कम अमाउंट होगा, अब एक साइड 300 है एक साइड 100 है, तो कम कौन सा है ₹100, तो ₹100 दोनों में से माइनस कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल में से भी और बिल्स पेबल में से भी। ठीक है जी, किसी की एक और एडजस्टमेंट पड़ेंगे, सन्ड्री एसेट्स आर ओवरवैल्यूड बाय 200, अंडरवैल्यूड, तो जब आप सन्ड्री एसेट्स रिकॉर्ड करोगे मतलब नॉन करंट एसेट्स, उसमें ₹200 क्या कर दोगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड कर दोगे। उसके बाद क्या था, स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स 500 फ्रॉम एस टू प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% कितना होता है 1/4, सेल्स पे जाने के लिए कितना हो जाएगा 1/5, नहीं तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो 25.125, तो 500 × 1/5 कितना अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया ₹100 आ गया अनरियलाइज प्रॉफिट। तो इस ₹100 को एक तो आप जब होल्डिंग का P&L उठाओगे उसमें जब अपना रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड करोगे होल्डिंग का शेयर, उसमें से ये ₹100 माइनस हो जाएगा। ठीक है, जिसका मैंने कहा था वोटिंग नोट बनाना जरूरी नहीं होता। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, इसको स्टॉक में से भी ₹100 को क्या कर दोगे आप माइनस। तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, मैंने थोड़ा सा स्पीड पे कराया था क्योंकि इतना भी टफ नहीं है। Moving further to the next question number 7, which is very very important and interesting question. Question number 7 says revaluation along with debit balance in surplus account. A wonderful topic and wonderful concept. Isme depreciation ka point aapko clear hoga acche se. To question number 7, without wasting any more time, hum padhne ja rahe hain. Question number 7 says H Limited purchased 24,000 shares. Subsidiary की liabilities में total share capital 3,00,000 है, एक share 100 का है, number of share आ गए 30,000. उस 30,000 में से आपने 24,000 share ले रखे हैं, तो minorities के share कितने रह गए 6,000 shares रह गए। तो अगर मैं इसको percentage में convert करूँ तो 4/5 और 1/5 यानी कि 80% and 20% बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कहता है एस लिमिटेड का जनरल रिजर्व है 22,500 फर्स्ट अप्रैल को और हमारा 37,500 है डेबिट बैलेंस सरप्लस में, तो ऑब्वियसली जो 22,500 है हैड रुपीज 22,500, तो जो हमारा 22,500 है और जो सरप्लस है वो डेबिट बैलेंस है, तो दोनों को हम इफेक्ट निकालेंगे। सरप्लस का डेबिट बैलेंस 37,500 और जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस 22,500, तो मतलब हमारे पास अभी भी नेगेटिव बैलेंस आ गया 15,000 का। डेबिट बैलेंस बढ़ा है तो डेबिट बैलेंस रहेगा। आगे चलें, अब वो कहता है ध्यान से पढ़िएगा, फिक्स्ड एसेट स्टैंडिंग इन द बुक्स एट 90,000 वाज कंसीडर्ड वर्थ 75,000, मतलब ये हुआ कि जो 75,000 की चीज है आपने उसको 90 पे पहुंचाया हुआ था, आप 15,000 से उसको ओवर वैल्यू करके बैठे हो, आपको लॉस हो गया 15,000 का, तो वो 15,000 भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट की जगह क्या निकल गया बच्चों, कैपिटल लॉस निकल गया। तो कैपिटल लॉस को हम बांट देंगे होल्डिंग में और माइनॉरिटीज में यानी कि 80% and 20%, तो हमारे पास आंसर आ गया 24,000 and 6,000 रिस्पेक्टिवली। पहला वर्किंग नोट क्या हो गया हमारा तैयार। अब जो मैं सेकंड वर्किंग नोट पे जा रहा हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, दैट इज रेवेन्यू लॉस या रेवेन्यू प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट के लिए हमारे पास जो सरप्लस बैलेंस शीट में पड़ा है अभी भी डेबिट बैलेंस के साथ पड़ा है 67500 और अब ओपनिंग जो प्री प्रॉफिट्स थे इसमें वो थे 37500, ये भी डेबिट ये भी डेबिट, तो मतलब अभी भी डेबिट फिगर आ रही है 30,000। ठीक है, अब अगर मैं जनरल रिजर्व की बात करूं, ओपनिंग था 22,500 सॉरी हाँ, और अब हमें पास पड़ा है 7500, मतलब ये भी डेबिट बैलेंस बन चुका है, तो कितना है ये 15,000 नेगेटिव है ना।
अगर मैं इनको अकाउंट वाइज भी बना के तुम्हें दिखाऊं ना, तो जो सरप्लस का डेबिट बैलेंस था 67500 था और ओपनिंग बैलेंस था 37500 और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 67500, मतलब नेगेटिव फिगर आ गई विद अमाउंट ऑफ 30,000. जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था 22,500 और क्लोजिंग बैलेंस है 7,500, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसको क्रेडिट से शुरू किया, सरप्लस के डेबिट बैलेंस है तो डेबिट से शुरू किया. अब इसकी बैलेंसिंग फिगर भी इधर आ रही है, मतलब नेगेटिव में आ रही है विद 15,000. तो टोटल फिगर क्या हो गई हमारे पास, 45,000. क्या हो गई नेगेटिव में, 45,000. बात अभी खत्म नहीं हुई है. जो एसेट को आपने ओवर वैल्यू कर रखा था उस पे डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है इस क्वेश्चन में. अब डेप्रिसिएशन का रेट क्या गिवन है, 20%. तो 15,000 की जो एसेट थी ओवर वैल्यू उस पे 20% लगाई आपने डेप्रिसिएशन, वो आ गई 3,000, है ना. तो डेप्रिसिएशन जब हम P&L बनाते हैं उसको नॉर्मली हम डेबिट साइड पे शो करते हैं. हम जब P&L बनाते हैं तो उसको डेबिट साइड पे शो करते हैं टू डेप्रिसिएशन, फाइन. पर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लॉस भी है और एसेट को हमने ज्यादा वैल्यू कर रखा था, तो हम उसकी डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज कर चुके हैं, उसको वापस इधर डाल देंगे. तो मतलब मैं अगर ये कंबाइन इधर ही डालूं तो डेप्रिसिएशन इधर आएगी 3,000 की. तो अब मेरी फिगर जो 45,000 नेगेटिव आया था वो कितना रह गया, 42,000 नेगेटिव रहे. दोबारा करते हैं, आई रब इट अगेन एंड एक्सप्लेन द कांसेप्ट वंस मोर. देखो जो मेरा सरप्लस और जनरल रिजर्व है मैं उसका कंबाइंड अकाउंट बना, जो मेरा नॉर्मल सरप्लस होता है वो इधर से स्टार्ट होता है और इधर खत्म होता है. जनरल रिजर्व भी नॉर्मल इधर से स्टार्ट होता है, इधर से खत्म होता है. पर आपको क्वेश्चन में सरप्लस का डेबिट बैलेंस गिवन है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ सरप्लस दैट इज डेबिट बैलेंस वो गिवन है 37500 और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 67500. ये मैंने बैलेंस शीट से उठाया. इसकी बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ रही है, मतलब नेगेटिव में आ रही है 30,000. ये सरप्लस कंप्लीट हो गया. अब जनरल रिजर्व स्टार्ट करते हैं. जनरल रिजर्व का ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस है 22,500 और क्लोजिंग बैलेंस है 7500. इसकी भी बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है 15,000 नेगेटिव से. तो टोटल नेगेटिव लॉस कितना हुआ मेरा, 45,000. अब डेप्रिसिएशन इधर आनी चाहिए पर आप इधर डालोगे. क्यों इधर डालोगे, इसका क्या रीजन है, आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखी थी. तो डेप्रिसिएशन वैसे हम नॉर्मली डेबिट में डालते हैं ना P&L में, हम उस एक्सेस डेप्रिसिएशन को ठीक कर रहे हैं क्योंकि 90 वाली की वैल्यू 75,000 है, तभी हम उसकी डेप्रिसिएशन इधर डाल देंगे 3,000 से. तो अब 45 में से ये 3 गए तो कितना आंसर बचा हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, 42,000 नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन बड़ा है. तो जो 42,000 नेगेटिव हमारा आंसर आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने माइनॉरिटीज और होल्डिंग में, यानी कि 80% एंड 20% में. तो जो 80% करके आता है दैट इज 33,600 एंड जो माइनॉरिटीज में आएगा दैट इज 8,400 रुपीज. तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश्ड. अब हम निकालेंगे अपना कैपिटल रिजर्व या गुडविल. बिल्कुल आप पेपर में सरप्लस अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट भी बना सकते हो, अदरवाइज अगर आप स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाना चाहते हो दैट इज आल्सो अप टू यू. तो बच्चों हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे आप देख सकते हो कितनी है, 2,10,000. फेस वैल्यू थी 2,40,000 क्योंकि 24,000 शेयर आपने लिया और कैपिटल प्रॉफिट का शेयर लॉस था तो माइनस हो जाएगा 24,000 से. तो ये माइनस होगा तो ये बनेगा 2,16,000 नेगेटिव में आ रहा है, तो 6,000 इज कैपिटल रिजर्व. माइनॉरिटीज इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, हाउ यू कैलकुलेट. 2,40,000 के शेयर तुमने ले लिया, उनके रह गए 60, उसमें कैपिटल लॉस का शेयर, रेवेन्यू लॉस का शेयर, क्या कर दोगे माइनस, यू गेट योर आंसर. अब हम बात करते हैं जो हमारी डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट है. जैसे मैंने तुम्हें कहा डेप्रिसिएशन तुम्हारी एक्सेस थी तो तुमने P&L में यानी कि सरप्लस में क्रेडिट कर दी. इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट जब बनाओगे उसमें एसेट में भी ओवर डेप्रिसिएशन जो चार्ज की थी वो वापस ऐड बैक हो जाएगी इन योर बैलेंस शीट. आप 3,000 को ऐड करोगे और 15,000 को माइनस करोगे.
Hopefully this question is clear to you, and this question was very, very, very important. Now I'm moving further with my next question, question number 8. Bahut important question hai 8 bhi. When proposed dividend is given in the balance sheet. So ab isse pehle hum ek topic karenge, treatment of dividends. Before I discuss this question, I'll discuss with you people the treatment of dividends in holding companies. देखो जो नॉर्मली डिविडेंड है वो बहुत सारे टाइप्स के तुमने पढ़े हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज प्रपोज्ड डिविडेंड इटसेल्फ. ठीक है, अब इन डिविडेंड्स के बारे में हम डिटेल में करेंगे. तो डिविडेंड बेसिकली किसमें से दिया जा सकता है? बेसिकली डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन और इट कैन बी पेड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट. ठीक है, अब जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है सब्सिडियरी कंपनी तो होल्डिंग कंपनी को मेजॉरिटी पोर्शन मिलेगा डिविडेंड का. अब देखो, जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी में ए ने बी में 80% शेयर्स ले लिए, तो जब बी डिविडेंड अनाउंस करेगी स्टूडेंट्स तो 80% डिविडेंड भी तो मेरे को मिलेगा ना. 20% डिविडेंड किसको मिलेगा? माइनॉरिटीज को. क्लियर हुआ इतना? तो जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट होना चाहिए, बट एक प्रॉब्लम अराइज आएगी कि किस चीज को क्रेडिट करें. डेबिट में तो पता है हमें. तो अगर याद रखना, अगर तो डिविडेंड प्री प्रॉफिट्स में से आता है, डिविडेंड किस में से आता है? प्री प्रॉफिट्स में से, तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा. मतलब एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. और अगर डिविडेंड पोस्ट में से आता है तो मैं अपने डिविडेंड को क्रेडिट करूंगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड रिसीव्ड. ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी. और अल्टीमेटली ये डिविडेंड रिसीव्ड या क्रेडिट हो रहा है, इसको क्लोज करने के लिए हम सरप्लस अकाउंट यानी कि पीएनएल में भेज देंगे. तो पहले तो ये दो एंट्रीज का कंसेप्ट क्लियर करो कि डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट कब मानना है और डिविडेंड को सरप्लस कब मानना है. अगर डिविडेंड बच्चों प्री में से आया है तो इट इज टेकन एज इन्वेस्टमेंट, और अगर पोस्ट में से आया है इट इज टेकन एज अ सरप्लस. तो पहले ये चीज आपको क्लियर अच्छे से होनी चाहिए. ठीक है, तो इन सच अ केस डिविडेंड इज अ कैपिटल रिसीव, इसकी बात कर रहा हूं मैं. इट इज अ कैपिटल रिसीव तो हमने ये एंट्री की, और इट इज अ रेवेन्यू रिसीव इन केस ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स. तो ये तो था नॉर्मल डिविडेंड की बात. अब हम बात करते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्रपोज्ड डिविडेंड. प्रपोज्ड डिविडेंड का मीनिंग आपको पता है, जो प्रपोज किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर. क्वेश्चन पढ़ते हैं. बिग लिमिटेड एक्वायर्ड 90% ऑफ शेयर्स ऑन सितंबर 30th. तो जो हमने शेयर्स एक्वायर करे हैं वो सितंबर 30th को एक्वायर करे हैं. कब करे हैं? सितंबर 30th को. तो इससे पहले वाला पीरियड कौन सा बना मेरा? प्री. और बाद वाला पीरियड कौन सा बना मेरा? पोस्ट. तो नो बैलेंस शीट वॉज प्रिपेयर्ड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स आपको गिवन है. नीचे दो बैलेंस शीट आपको गिवन है, और आपको जनरल रिजर्व, देखो एक बैलेंस शीट जो है ना तुम्हें उसमें दो साल गिवन है. जनरल रिजर्व और सरप्लस के दो दो बैलेंसेज आपको गिवन है. तो मतलब क्या हुआ क्लियरली? पहले तो देखो आपने शेयर्स कितने लिए हैं. शेयर्स आपने लिए हैं 90% है ना, तो 10% उनके शेयर्स रहे. चलो छोड़ो. अब देखो सरप्लस हमारे पास गिवन है, कैपिटल प्रॉफिट अगर मैं निकालूं तो ओपनिंग सरप्लस गिवन है 10,000 और ओपनिंग रेवेन्यू रिजर्व यानी कि जनरल रिजर्व गिवन है 40,000. तो टोटल कितना हो गया मेरे पास? 50,000 रुपीज. प्री प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल वाले मैंने उठा लिए, 40,000 प्लस 10,000 टोटल कितना बैलेंस हो गया? 50,000. मैंने एक रेवेन्यू रिजर्व उठाया और एक सरप्लस उठाया. क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं पूरा. बिग लिमिटेड हैज नॉट पास्ड एंट्रीज फॉर डिविडेंड प्रपोज्ड बाय स्मॉल लिमिटेड. अब डिविडेंड के बारे में मेंशन नहीं है कि कब है, तो हम इसको प्री एक्विजिशन मानेंगे. अब जब डिविडेंड अनाउंस करना होता है तो इसका एक रूल है, प्रपोज्ड डिविडेंड स्पेशली व्हेन इट इज गिवन इन द बैलेंस शीट. आपको देखना होगा प्रपोज्ड डिविडेंड 4200 रुपीज गिवन है ना. तो अगर मैं बात करूं बच्चों की जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो रहा है, देखो जनरल रिजर्व का मैं बैलेंस बनाता हूँ.
ओपनिंग बैलेंस है 40,000, क्लोजिंग बैलेंस है 44,000, मतलब 4,000 आपने ट्रांसफर किया। सरप्लस का भी अकाउंट बनाते हैं, सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस है 10,000, क्लोजिंग बैलेंस है 17,400, मतलब आपने 7,400 यहां भी ट्रांसफर किया। तो जो प्रपोज डिविडेंड आप दे रहे हो वो दे रहे हो 4,200 रुपीज का। तो इन तीनों फिगर्स को उठाओ, ऐड करो 4,000 प्लस 7,400 प्लस 4,200, ये कितना बनता है? कैलकुलेटर्स पे ये बनेगा तुम्हारा अराउंड 15,600 रुपए। डिविडेंड क्योंकि प्री में से दिया गया तो इसका इफेक्ट इसको पढ़ना चाहिए, यस और नो? अब प्री पीरियड कितने मंथ्स था? 6 मंथ्स। और पोस्ट पीरियड भी कितने मंथ्स था? 6 मंथ्स। तो इसका आधा कर दो, इंटू 6/12 कर दो, 6/12 करके जो आएगा वो आएगा 7,800। तो यहां से मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट तो निकल गया पहले, है ना, ये रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया मेरा। तो अब जो 7,800 है वो इसमें ऐड बैक कर देंगे हम कैपिटल प्रॉफिट्स में। टोटल कैपिटल प्रॉफिट्स मेरे हो गए 57,800, जिसको हम बांट देंगे होल्डिंग में और माइनॉरिटी, यानी कि 90% और 10%। तो प्रपोज डिविडेंड की ट्रीटमेंट क्या समझ आ गया हमें कि जो ट्रांसफर्ड अमाउंट होते हैं जनरल रिजर्व में और सरप्लस में और जितने का डिविडेंड होगा उसको ऐड करेंगे और उसको हम मंथ्स में डिवाइड कर देंगे प्री एंड पोस्ट में। जो प्री है वो उसमें ऐड हो जाएगा और पोस्ट का प्रॉफिट आपके पास निकल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा 52020 होल्डिंग का शेयर और 5780 रेवेन्यू का शेयर। अब हम निकालते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अब रेवेन्यू प्रॉफिट्स में हमें क्या क्या उठाना है? ऑब्वियसली सरप्लस का बैलेंस 7,400, जनरल रिजर्व का बैलेंस 4,000 और प्रपोज डिविडेंड का बैलेंस 4,200। इसका हाफ जो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है 7,800, इसको बांट देंगे होल्डिंग में और माइनॉरिटीज में। तो ये हमारा आ गया रेवेन्यू प्रॉफिट्स। तो अब हम निकालेंगे गुडविल या कैपिटल रिजर्व। बस अब आगे तो ईजी है क्वेश्चन। तो डिविडेंड की ट्रीटमेंट समझ में आई बच्चों कि जो डिविडेंड है जितने मंथ्स में होगा वो डिवाइड हो जाएगा अगर वो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। गुडविल कैसे निकालते हैं भाई? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस फेस वैल्यू माइनस कैपिटल प्रॉफिट का शेयर। तो यहाँ खुद निकालना, इसका आंसर नहीं मैं खुद निकलवाऊंगा क्योंकि इसमें डिफरेंट पॉइंट है। एक ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 60,000, जिसकी फेस वैल्यू 1,800 शेयर्स आपने लिए हैं, एक शेयर 10 का लिया है क्योंकि 90% लिया है, राइट? तो आप 90% रेक भी लिख सकते थे, 18,000 आ जाएगा। कैपिटल प्रॉफिट आ रहा है 52020, हमारा आंसर आ गया 10020। आपको गुडविल दिख रही है बैलेंस शीट के अंदर 10,000 की। अब ये जो मेरा आंसर आया है ये मेरा कैपिटल रिजर्व आया है और गुडविल गिवन है 10,000 की, तो अब बड़ा कौन सा है? कैपिटल रिजर्व। तो आंसर भी मेरा क्या निकल जाएगा? कैपिटल रिजर्व विद द अमाउंट ऑफ 20 रुपीज, मतलब जब गुडविल क्वेश्चन में गिवन होगी उसको हम अपने कैपिटल रिजर्व से सेट ऑफ करके लिखेंगे। और अगर गुडविल ही आता आंसर तो दोनों गुडविल्स को हम ऐड करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिखते। माइनॉरिटीज आप लोग खुद करेंगे, माइनॉरिटीज का आंसर आएगा 8,560। I'm moving to the next question, which is very, very important. Question number 9, that is revaluation of assets. Question number 9, finals भी आ सकता है ऐसा question. बहुत ही ज़्यादा important question है. ध्यान दीजिएगा इस question को. Skyjack Limited acquired 6,000 shares in Hijack Limited on 1st October 2014. 1st October को आपने shares लिए हैं. मतलब फिर से प्री और पोस्ट, ठीक है, 6 मंथ्स 6 मंथ्स, ठीक है। 31 मार्च को आपको बैलेंस शीट गिवन है और इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी गिवन है, तो याद रखना प्रेफरेंस इज अ पार्ट ऑफ माइनॉरिटीज। नया पॉइंट आ गया, प्रेफरेंस इज अ पार्ट ऑफ माइनॉरिटीज। पहली चीज, वो डिविडेंड भी लेंगे अपना। As on the date of acquisition, he found that land and building overvalued by 40,000, machinery of 6 lakh. So, ये हमारी overvaluations हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। In preparing the consolidated balance sheet, it is required to use the proper values of assets, ascertain capital profits, revenue profits, and minorities, showing the detail of their working.
तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में ना एक करेक्शन कर लीजिएगा, जनरल रिजर्व का डेट लिख लेना 1 अप्रैल, तो मतलब मैं उसको कैपिटल प्रॉफिट मानने वाला हूँ उसमें, ठीक है। तो मेरा अगर कैपिटल प्रॉफिट्स की मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और रेवेन्यू प्रॉफिट्स की भी बात करूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड पॉइंट्स है इसमें। जनरल रिजर्व में कैपिटल मान रहा हूँ 2,20,000 से, डेटा ऐड कर लीजिएगा, और सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस है तो ये भी रेट ऑफ एक्विजिशन पे 60,000 रुपीज। तो टोटल मेरे पास जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया हमारे पास 2,80,000 रुपये, कितना हो गया 2,80,000 रुपीज। अब जो प्रॉफिट फॉर द ईयर 14-15 का गिवन है वो गिवन है 1,80,000 रुपये। आप लोग क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये गिवन है आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014-15, राइट, मिल गया 1,80,000। तो इसमें से प्रॉफिट में से पहले आप अपने डिविडेंड पे, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड दे दो। जो प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है 1,80,000, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो। जब क्वेश्चन साइलेंट होगा अपने ट्रीटमेंट करनी ही करनी है। प्रेफरेंस कैपिटल है 2,00,000 की, उसके ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड कितने परसेंट है बच्चों, 8%, तो 2,00,000 का 8% बनेगा 16,000। ये माइनस करने के बाद 1,80,000 का जो प्रॉफिट था वो रह गया 1,64,000। मतलब ये दोनों का पार्ट बनने वाला है 1,64,000। हाफ इट वुड बी कैपिटल, हाफ इट वुड बी रेवेन्यू। हाफ क्यों बोला मैंने, क्योंकि मंथ्स कितने कितने हैं मेरे पास, 6 मंथ्स, तो इसका इनटू 6/12 करके आएगा आई गेस 82,000। यस, तो 82,000 मेरा प्री में चला गया और 82,000 मेरा पोस्ट में चला गया। मैं पॉइंट रिपीट करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा दोबारा से, तो मैं रब कर रहा हूँ उसको, दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। जो मेरा जनरल रिजर्व है वो मेरा टोटली प्री प्रॉफिट्स है, जो कि कितना अमाउंट है 2,20,000। जो मेरा सरप्लस का 1 अप्रैल को बैलेंस गिवन है 7,000, वो भी मेरा टोटली प्री प्रॉफिट है। लेकिन जो 2014-15 का प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है 1,80,000 रुपये। इसमें से पहले आप प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे जो कि है 16,000 रुपये। माइनस करके जो प्रॉफिट बचा इसको दोनों कैटेगरीज में आप डिवाइड करोगे, प्री में भी और पोस्ट में भी, जो कि बना 82,000 एंड 82,000। तो प्री टोटल कितना हो गया मेरा अभी तक, टोटल प्री प्रॉफिट्स कितने हो गए, 2,20,000 प्लस 60,000 प्लस 82,000, ठीक है। टोटल प्रॉफिट्स मेरे पास जितने भी बनेंगे वो मेरे प्री प्रॉफिट्स बनेंगे। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई, जो हमारी वैल्यू ऑफ मशीनरी है देखो वो ऊपर बैलेंस शीट में कितनी है, 5,00,000 की। आज उसकी जो बुक वैल्यू है वो उसने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ मशीनरी 2B rupees 6,00,000, है ना। तो इसका मतलब 1,00,000 का डिफरेंस पड़ रहा है, यस और नो। अब जो 5,00,000 की डेप्रिसिएशन है वो 1 अप्रैल को, जो मेरी मशीनरी की वैल्यू है 1 अप्रैल को वो 5,00,000 है। ध्यान दीजिए, मशीनरी की वैल्यू 1 अप्रैल को है 5,00,000 रुपीज, जिसपे डेप्रिसिएशन पूरे साल की 50,000 है, तो आधे साल की कितनी होगी, स्पीक आउट, कितनी होगी, 25,000 रुपीज, क्योंकि हमारा जो अक्टूबर में जो हुआ है वही कंसिडर होगा। तो अगर